टेंडर्स महाराष्ट्र। इससे पहले के वीडियोस में हमने कुछ सेटिंग के बारे में चीजें देखी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज की सेटिंग, मोजिला फायरफॉक्स की सेटिंग और इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग। आज हम डीएससी के ड्राइवर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर दिस पीसी के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो सीडी ड्राइव जी हाइपर पीकेआई नजर आता है। तो मैंने डीएससी का ये टोकन जो है उसे इंसर्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। देखो, अगर जैसे ही मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ तो ये चला जाता है, और जैसे ही मैं डीएससी का ये टोकन इंसर्ट कर देता हूँ तो ये दिखाई देता है। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके उसे इंस्टॉल करना होता है, जो कि मैंने कर लिया है। इंस्टॉल होने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ हाइपर टाइप करेंगे, आपको देखो यहाँ दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है और यहाँ भी दिखाई देता है। मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर एच में आते हैं, अगर आप यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखाई देता है। आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ मोर पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। तो देखो, मैंने इसे ओपन किया, यहाँ लॉगिन पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ई टोकन का पिन इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है, इसे चेक करके इनेबल सॉफ्ट की भी किया जा सकता है। तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे। यहाँ मेरी केस में मेरा ई टोकन का जो उसका पिन है वो 1 से 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पर ये इनेबल हो गया है, इस पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप लॉग इन कर लेते हैं तो यहाँ पर नाम दिखाई देता है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए और भी डिटेल आ जाती है, इधर भी डिटेल है और इधर भी है, एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ से देखी जा सकती है। अगर हमने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया है तो हम लॉग इन करने जाएंगे तो तब हमको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इसे इंस्टॉल करना बहुत जरूरी होता है। और जो डीएससी पे नाम है वो यहाँ दिखाई देता है, और इसी तरीके से यहाँ एक्सपायरी डेट और उसकी बाकी की डिटेल यहाँ दिखाई देती है। मैं इसे कट कर देता हूँ, यस, और एक बार फिर से आपको दिखलाता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं हाइपर टाइप करूंगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं, ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर 1 से 8 टाइप करता हूँ, जो कि मेरा ई टोकन का पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से ये लॉगिन हो जाता है।